अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहान अकील है और इस वीडियो के अंदर हम लोग अपने टैप काउंटर की चीज़ें जो है ना रेज्यूम करें। कुछ दिनों का गैप आया था, कुछ दिनों का नहीं मेरे ख्याल में 2 या 3 हफ्ते का गैप आया था। रीज़न मैंने बताया था फेसबुक ग्रुप के ऊपर कि क्या मसले थे, किस वजह से डिले हुआ है, बट मेन थिंग इज़ कि स्केड्यूल अब वापसी आ गया। तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्चुअल में वो वाला कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करूँगा जो कि मुझे फील हुआ कि मैंने जो असाइनमेंट दिए थे उसके अंदर ये था कि साउंड्स आप इम्प्लीमेंट कर लो, छोटी छोटी चीज़ें से खुद करो। एक मैंने पैनल बना के दिखाया था, फिर ये बोला था कि जो बाकी पैनल्स हैं उसके ऊपर खुद से काम करो। मैंने वही वाली चीज़ें ना लास्ट वीक अपने पास करी हैं और वो करते हुए ना मुझे एक चीज़ थोड़ी सी फील हुई कि मैं थोड़ा सा एडिशनल फीचर्स ऐड करने की कोशिश कर रहा। टैप के ऊपर मैंने साउंड डाल दिया, ठीक है, मतलब साउंड डालने का जो मैकेनिक्स है वो जिस तरीके से मेन मेन्यू के ऊपर हम लोगों ने साउंड डाला है, मैंने वही काम जो है अपने टैप के ऊपर करा है कि जब भी मैं टैप करूँगा तो एक साउंड चलेगी। लेकिन आप अगर थोड़ा सा अपने गेम का एक्सपीरियंस और बढ़ाना चाहो ना तो आप डिफरेंट आइडियाज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे मेरे जहन में एक आइडिया आया था कि क्यों ना ऐसा हो कि मैं जब भी टैप करूं तो एक डिफरेंट साउंड हो। अच्छा, डिफरेंट साउंड का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं 50,000 साउंड्स जो है ना वो लगाऊं गेम के अंदर, नहीं, 3-4 साउंड्स हों हमारे पास और हर टैप के ऊपर ना रैंडमली कोई साउंड जो है वो प्ले हो। अब इसके ऊपर जो कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होगा ना वो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन वो जिस कॉन्सेप्ट को मिक्स करके बनेगा उसके अंदर एक छोटा सेक्शन है जो कि मैंने आपको नहीं पढ़ा है। तो इस वीडियो में हम लोग वही कवर करेंगे कि अगर आपके पास ऐसा कोई सिनेरियो आए जिसके अंदर आपको कोई रैंडमनेस लेकर आनी हो या रैंडम चीज करवानी हो वो किस तरीके से होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे गेम ऑलरेडी ऑन है, मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखा दूं, थोड़ा सा आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा कि मैंने एक्चुअल में क्या क्या चीजें करी। ठीक है, तो मैं अगर इसको प्ले करूं, बैकग्राउंड के ऊपर मैंने म्यूजिक लगाया हुआ है, ठीक है, और सेटिंग्स का पैनल वही हमारा चल रहा है। मैंने बीच में थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड कर दिया और मैं बैक के ऊपर क्लिक करूँ, सही है, प्ले के बटन के ऊपर सीन ट्रांसलेट हो रहा है वैसा ही, ठीक है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे टैप, आप लोग एक चीज़ और करोगे, मैं जब भी टैप कर रहा हूँ ना तो मेरा टैप जो है ना वो एक साउंड कर रहा है और इसी के साथ साथ मेरे गेम ओवर के ऊपर भी एक साउंड है और जो है विन के ऊपर भी एक साउंड है और मैंने एनिमेशन लगा दिए हैं। ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट मैं सब आपको पढ़ा चुका हूँ, सही है। तो अगर आपको नहीं पता तो आप जाओ प्रीवियस वीडियो से जो ना कॉन्सेप्ट फॉलो कर कराओ। मुझे इस वीडियो के अंदर क्या चाहिए कि मैं जब भी टैप करूँ ना, मैं थोड़ी देर के लिए इसको, एक ही साउंड बज रहा है ना, मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास ज़्यादा साउंड्स हों और जब भी मैं टैप करूँ ना एक रैंडम साउंड प्ले हो। वो इस तरीके से करेंगे कि हम लोग सबसे पहले जाते हैं अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर। तो स्क्रिप्ट हमारे पास अब लोड हो गई है। सबसे पहले हम लोग कोई भी जब मैकेनिक्स इंप्लीमेंट करना चाहते हैं एक एग्जिस्टिंग मैकेनिक्स के ऊपर तो हम लोग उसका कोड ट्रैक करते हैं। हमें क्या करना है, हमें साउंड लगाना है। कहाँ लगाना है? साउंड के एग्जिस्टिंग मैकेनिक्स के ऊपर जहाँ पे टैप हो रहा है। हम लोग सबसे पहले ढूंढेंगे हमारा टैप कहाँ हो रहा है। तो हम जाएंगे, टैप एक्चुअल में किस चीज़ का पार्ट है, कोर गेम मैकेनिक्स का ना, मैंने आप लोगों को समझाई थी बात कि जितने कोर मैकेनिक्स होंगे वो क्या गेम मैनेजर के ऊपर होंगे। तो यहाँ पर गेम मैनेजर के अंदर जहाँ पे टैप मैं इंक्रीज करवा रहा हूँ और मैं कहाँ करवा रहा हूँ, मैं देखूँ, टैप काउंट इज इक्वल टू टैप काउंट +1, ठीक है, ये वाली जगह। और यहाँ पे मैं अपडेट टैप काउंट टेक्स्ट के अंदर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर अपडेट टैप काउंट टेक्स्ट, जहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट अपडेट करवा रहा हूँ वहाँ पे मैं साउंड प्ले करवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर राइट क्लिक करूँ और गो टू डिक्लेरेशन तो मैं उस मेथड के ऊपर पहुँच जाऊँगा जहाँ पे मैं एक्चुअल साउंड प्ले करवा रहा हूँ। यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे, एक ऑडियो सोर्स दी हुई है और प्ले वन शॉट के नाम से मैंने एक मेथड यूज़ करा हुआ है। मैंने डिफरेंस बताया था, एक होता है प्ले और एक होता है प्ले वन शॉट, कि वो आपकी क्लिप उठाएगा, ऑडियो सोर्स पे लगाएगा और प्ले कर देगा। अब यहाँ पे बटन क्लिप तो एक सिंगल है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें एक रैंडम साउंड प्ले करनी है। अब रैंडम साउंड का जो मैकेनिक्स है वो इस तरीके का है, हम लोग एक से ज़्यादा साउंड रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है 4 साउंड रख ली। अब मेरे पास यहाँ पे एक तरीका है कि मैं 4 वेरिएबल्स बनाऊँ और मेरा जो ना काम हो जाएगा, सही है। मतलब अगर मेरे पास 10 साउंड्स हैं तो इसका मतलब है मैं 10 वेरिएबल्स बनाऊंगा, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। इससे बेहतर ये है कि आप एक काम करो, आप एक एरे बनाओ, ठीक है, और एरे के अंदर जो है ना इंस्पेक्टर से ड्रैग कर दो। मतलब एक ही एरे के ऊपर आप 10 एलिमेंट्स डाल दोगे। एरे यही होता है ना यार, एक बॉक्स होता है उसमें डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, इंडेक्स की बेसिस के ऊपर जो है ना आप कोई चीज़ रिट्रीव करवा लेते हो, ऐसे ही होता है ना भाई। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एरे बना लेंगे, उसको फिलहाल रख दें पब्लिक, ठीक है। और एरे का तरीका क्या था, सही है। मैंने क्या बताया आपको, डेटा टाइप आप लिखते हो तो यहाँ पर मैं डेटा टाइप क्या करूँगा, ऑडियो क्लिप, क्योंकि हम एक साउंड क्लिप को रेफर करेंगे, साउंड क्लिप को ड्रैग करेंगे। एरे के लिए हमें एक स्क्वायर ब्रैकेट चाहिए होता है, ओपन और क्लोज, ताकि एडिटर को पता चल जाए कि यार ये एक एरे है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नाम दे दूंगा बटन टैप साउंड्स। ठीक है, और यहाँ से मैं और कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है, हम लोग एरे को यहाँ से इनिशियलाइज नहीं करेंगे, इसके बजाय हम जाएंगे अपने एडिटर के ऊपर, और एडिटर के ऊपर जाने के बाद हमारे पास जहाँ यूआई मैनेजर है, यहाँ पे नहीं, हमने कौन सी स्क्रिप्ट के अंदर करा है, गेम प्ले यूआई के अंदर। तो गेम प्ले यूआई जो है मेन मेन्यू में नहीं है, वो हमारे गेम प्ले सीन के अंदर है, गेम प्ले सीन, और यहाँ पर जो यूआई मैनेजर है इसके ऊपर हमारा गेम प्ले यूआई कंपोनेंट लगा हुआ है। आप एक चीज़ नोट करोगे कि नीचे जहाँ पे सारे वेरिएबल्स लिखे हुए हैं, वहाँ पे नीचे हमारे पास अब एक वेरिएबल तो आ रहा है, लेकिन इसके बराबर में ना एक छोटा सा एरो है। आप जैसे ही एरो एक्सपेंड करोगे ना, आप देखोगे साइज 0 है। ये एक्चुअल में वो एरे है जो कि इंस्पेक्टर के ऊपर शो हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने पब्लिक इसको करा हुआ है। सही है, पब्लिक करा हुआ है। तो मुझे यहाँ पे जितने साउंड डालने हैं मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4। सही है, लेट्स से हमें 4 साउंड डालने, और मैं क्या करूंगा, मैं चारों साउंड्स को ड्रैग कर दूंगा। मेरे पास साउंड्स हैं, सही है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो कहीं से भी, या मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और मैं अगर यहाँ पे बटन साउंड्स के ऊपर जाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे 2 बटन साउंड्स हैं, मैं इन दोनों को ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, बटन साउंड और टैप साउंड, और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो बबल है इसको मैं अगर टैप करूँ तो देखते हैं कि साउंड्स हैं या नहीं। एक मिनट, तो मैं डबल क्लिक करूं तो देखते हैं बटन साउंड्स कैसे आई है। अच्छा, बटन 1 और बटन 2 जो है ना, हम लोग ये ट्रैक कर लेते हैं। यूआई मैनेजर के ऊपर बटन 1 छोटा साउंड है, डिस्ट्रैक्टिंग नहीं लगेगा। सही, तो हमने यहाँ पे, अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एरे बनाने के बाद अपना जो रेफरेंस है वो डाल दिया। इसका मतलब है जब हम लोग प्ले करेंगे तो ये वाले जो साउंड के रेफरेंसेस जो कि हम लोगों ने असाइन कर दिए हैं, और यहाँ पे लिख दिया है 4, जो गेम इंजन है वो एक्चुअल में एरे को इनिशियलाइज करवा देगा। सही है, खुद ही कर देगा। वरना यूजुअली हम लोग क्या करते थे, हम लोग यहाँ पे लिखते थे ना कि एरे नेम इज इक्वल टू न्यू एरे, फिर उसका साइज डिफाइन करते थे। लेकिन चूंकि हमने इंस्पेक्टर से ड्रैग कर दिए रेफरेंस और एक साइज डिफाइन कर दिया है, तो जैसे ही प्ले का बटन क्लिक होगा उस टाइम के ऊपर जो एडिटर है वो हमारा एरे इनिशियलाइज करवा देगा 4 एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज यहाँ पर है वो है कि हमारे पास सिंगल साउंड का रेफरेंस है। सही है, सिंगल साउंड का रेफरेंस है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि जब भी हम टैप करें तो उस टाइम के ऊपर एक रैंडम साउंड उठकर आए। सही है, रैंडम साउंड उठकर आए और वो प्ले हो। तो अब देखो, हम लोग करते तो यही है ना कि जब भी हम लोग को एरे से कोई चीज रिट्रीव करवानी होती है तो हम लोग जो है स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और अंदर इंडेक्स लिखते हैं। तो काम करते हैं, हम थोड़ा सा पैटर्न बनाते हैं, हम एक टेम्पररी वेरिएबल बनाते हैं ऑडियो क्लिप के नाम से, और इस वेरिएबल के अंदर हम रेफरेंस एक होल्ड करेंगे उस साउंड का जो कि एरे से उठकर आ रहा है। सही है, एरे, और इसको नाम देता हूं मैं क्लिप इक्वल्स टू। अब वो जो साउंड है वो कहाँ से उठकर आएगा, एरे में से। एरे का नाम लिखते हैं साउंड्स। ठीक है, बटन टैप साउंड्स, और यहां पर जो है मैं इंडेक्स दे देता हूं। अब जो है ना यहाँ पर एक मसला हो जाएगा, वो ये कि सर आपने तो यहाँ पर 0 लिखा है, यहाँ पे तो एक इंडेक्स आना चाहिए, और होना ये चाहिए कि इंडेक्स जो है वो रैंडम होना चाहिए। अगर आपने ये वाली बात सोची है तो बहुत अच्छी बात है। सही है, क्योंकि एक्चुअल में हम लोग यही करेंगे। अब ये इंडेक्स ना हार्ड कोडेड लिखा हुआ है, हमें हार्ड कोडेड चीज़ें नहीं चाहिए, हम लोग ना हार्ड कोडेड को रिप्लेस कर रहे हैं रैंडमनेस से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्लिप को कॉपी करेंगे, इस वेरिएबल को, और यहाँ पे दे देंगे। लेकिन अब बात यह आ गई ना कि ये तो 0 को उठाएगा, फिर उसके बाद फर्क क्या पड़ा, सर आपने तो यहाँ पे एक वेरिएबल के बजाय दूसरा वेरिएबल लिख दिया, इंडेक्स तो 0 है। सही बात है, सही कह रहे हो। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट चीज, अब हम एक इंडेक्स के लिए वेरिएबल बनाते हैं और वो हर टैब के ऊपर एक रैंडम चलेगा। कैसे चलेगा मैं बताता हूँ, इंट, और यहाँ पर मैं नाम देता हूँ रैंडम इंडेक्स। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब हमें जो रैंडम वैल्यू चाहिए ना वो चाहिए 0 से लेके उस रेंज तक जितने एरे के अंदर कंटेंट हैं। समझने की कोशिश करो, हमारे जो इंडेक्स की वैल्यू होनी चाहिए, इंडेक्स ऐसी होता है ना भाई, अगर 4 एलिमेंट्स का एरे है तो 0 से लेकर 3 तक कंटेंट होगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक्चुअल में एक ऐसी ही वैल्यू चाहिए जो कि 0 से लेके एरे से -1 हो, 0 से लेके 3 तक की वैल्यू। यहां पर ना हमारे पास एक फंक्शन आता है, वो आता है यूनिटी इंजन का, मतलब ये जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ ना यूनिटी इंजन, इस नेम स्पेस या इस लाइब्रेरी का हमारे पास एक फंक्शन आता है रैंडम रेंज। सही है, वो क्या है, सही है। तो अगर पीछे से आवाज आ रही है इसको इग्नोर करना, मैं रेजिडेंशियल एरिया के अंदर हूँ, मतलब अच्छा एरिया। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा रैंडम डॉट रेंज, ठीक है, अब देखो ये हमसे क्या बोल रहा है, एक फंक्शन है जो कि हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, हमें सब ढूंढना होता है। सही है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रैंडम डॉट रेंज लिखा और यहाँ पे मुझे वैल्यू क्या चाहिए, मुझे 0 से लेके, आप यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, मिनिमम एंड मैक्सिमम, और नीचे थोड़ी सी जो डिस्क्रिप्शन है ना वो एक बार पढ़ लेना। ये बोल रहा है कि यार आप जो मिनिमम और मैक्सिमम डिफाइन करोगे ना, जो ये वाला फंक्शन है आपको उसी के अंदर से एक वैल्यू उठा के दे देगा। वो वैल्यू हम लोग इंडेक्स में डालेंगे और उस वेरिएबल, मतलब वो जो वैल्यू वाला वेरिएबल है उसको हम लोग यहाँ डालेंगे। सही है, इस 0 से रिप्लेस करेंगे। तो मिनिमम रेंज ये हो सकती है, यहाँ पे 0 हो सकता है। मैक्सिमम जो है ना, हमारे पास दो फंक्शंस हैं, ठीक है, एक यहाँ पे हमें बता रहा है कि फ्लोट भी सकता है, इंट भी सकता है, हमें इंटीजर चाहिए। यहाँ पर हमारे पास जो है सिनेरियो ये है कि रिटर्न्स एन इंटीजर नंबर बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर मैं 4 डिफाइन करूँ कि मुझे 0 से लेके 4 तक के बीच में कोई वैल्यू चाहिए, तो 4 रैंडम के रिटर्न के अंदर नहीं होगा। तो ये जो मैक्सिमम रेंज है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो अब यहाँ पे हमें 4 भी नहीं लिखना ना, हमें तो हार्ड कोड चीज़ें लिखनी ही नहीं है। हमें क्या लिखना है, हमें उस एरे की लेंथ लिखनी है। सही है, 0 से लेके एरे की जो लेंथ है उस तक हमें कोई रैंडम जो है नंबर वापसी आ जाए, ऐसे ही हो रहा है ना, लिखते हैं। अब हमारे एरे का नाम क्या था, साउंड्स डॉट। हमें इसकी लेंथ चाहिए ना, यूनिटी ने हमें ऑलरेडी फंक्शन प्रोवाइड करा हुआ है। सही है, या प्रॉपर्टी प्रोवाइड करी हुई है, हम लोग देख सकते हैं। आप डॉट लिखो और एक बार स्क्रॉल करो कि आपके पास क्या चीज है अवेलेबल जो कि यूनिटी ने आपको दी हुई है। भाई देखो, लेंथ की प्रॉपर्टी के नाम से एक चीज है, मैं अगर ये लिखूंगा, ठीक है, लेंथ, अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये वाला जब भी प्ले बटन साउंड का फंक्शन चलेगा, इस वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू पॉपुलेट होगी जो कि 0 से लेके उस लेंथ के बीच की वैल्यू होगी। चाहिए एरे के लेंथ के बीच की वैल्यू, हम क्या करेंगे, हम इस रैंडम इंडेक्स के वेरिएबल को कॉपी करेंगे और यहाँ पे 0 से रिप्लेस कर देंगे। सिर्फ 2 लाइन का काम है, रैंडमनेस ऐड करना सिर्फ 2 लाइन का काम है। मतलब करा क्या, हमने रैंडम का फंक्शन यूज करा है ना, इससे ज़्यादा और कोई चीज़ यूज नहीं करी। तो हमने रैंडम जो एक वेरिएबल था वो बना लिया, फिर उसके बाद एक साउंड उठाई, एक वेरिएबल में डाली और उस वेरिएबल को अपने प्ले वन शॉट के मेथड के अंदर डाल दिया। इसको ज़रा टेस्ट कर लेते हैं। अब अगर मैं जाऊं यूनिटी के ऊपर, सही है, और मैं जाऊं मेन मेन्यू के ऊपर, सेव कर लूं मैं। अच्छा, सेव इसलिए कर रहा है क्योंकि हम लोगों ने रेफरेंसेस ड्रैग करें। एक बार मैं फिर चेक कर लेता हूं कि यहाँ पे 4 रेफरेंसेस पड़े हुए हैं और मैं यहाँ पर अगर मेन मेन्यू में जाऊँ, सही है, अब अगर मैं प्ले करूँ, आप एक चीज नोट करना, ये रैंडम साउंड्स प्ले हुए हैं। खुद भी टेस्ट करके देखना। मतलब सिर्फ यही चीज नहीं है, आप लोग ये वाली जो चीज है ना, ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ाए जा चुके हैं, लेकिन जब हम लोग किसी दूसरे मैकेनिक्स के साथ मर्ज करते हैं ना, बाज़ औक़ात हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं ये वाली चीज़ खुद ही सोचा था कि मैं इम्प्लीमेंट कर दूं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे मुझे थोड़ा सा ख्याल आया कि हो सकता है ये आप लोगों को परेशानी करे। तो अगर आगे जाके भी ऐसे कोई सिनेरियो में आप फंसो जहाँ पे आपको रैंडमनेस लेकर आनी हो, रैंडम डॉट रेंज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, मतलब इस पॉइंट के ऊपर आके ना आपने काफ़ी सारी चीज़ें कर ली हैं, लेकिन अब जो है ना हम लोग और चीज़ें ऐड करेंगे, लेवल्स हैं। सही है, अभी तो हम लोगों ने एक ही बार मतलब करा है ना, हम लोगों ने टारगेट एक वेरिएबल रखा हुआ है, लेवल्स का कोई मैकेनिक्स नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर ना हम लोग यही काम करेंगे कि बेस्ड ऑन लेवल्स, सही है, कि हमारा कौन सा लेवल चल रहा है, हमारा वही टारगेट हो और टारगेट चेंज हो। ये भी करेंगे, सही है। तो शेयर करना इसको, कोई क्वेश्चन है पूछ लो, नीचे कमेंट से मेंशन कर दो। और हाँ यार, लाइक कर दिया करो वीडियो को। मैंने सुना है कि यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है ना वो हेल्पफुल रहता है उसके लिए। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करो, अगर बेल आइकन नहीं प्रेस करा हुआ तो प्रेस कर दो, सही है, क्योंकि अब हाँ बेल आइकन प्रेस कर दो। बाकी ये कि इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।